नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में साइबर ठगों का आतंक इन दिनों लगातार जारी है। मामला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित पिंटू जूता दुकान का पूरा मामला है, जहां साइबर ठगों ने जूता खरीदा और पेटीएम स्पूफ नामक ऐप से पेमेंट कर ठगी की है। इस संबंध में दुकानदार पिंटू कुमार गुप्ता ने घाघरा थाने में लिखित आवेदन देकर ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई और अपने आवेदन में पिंटू ने कहा है कि शनिवार को एक मोटरसाइकिल में तीन युवक आए और जूता दिखाने को बोला, जिस पर 1400 का कैंपस का जूता दिखाए, जिसे तीनों ने पसंद किया और ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही और मोबाइल पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन दिखाया, जिस पर उन्हें लगा कि 2-3 मिनट में उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ट्रांजेक्शन दिखाते वहां से तीनों चले गए। लगभग 10 मिनट बीत गया, जिसके बावजूद भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तब उन्होंने लोगों का पीछा किया तो चांदनी चौक स्थित एक दुकान में सामान खरीदते दिखाई दिए। जैसे ही ठगों की नजर पिंटू पर पड़ी, तीनों भागने लगे। इस दौरान लोगों ने एक युवक को दौड़ाकर पकड़ा, जिसे थाने के हवाले किया, जिसके बाद भागे हुए दो ठगों को इटकिरी ग्राम स्थित एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में SI अभिनव कुमार ने बताया कि रांची टुपुदाना निवासी मोहम्मद शामी अंसारी कैफी अकरम व अवनीश कुमार मोटरसाइकिल से नेतर हाट जाने के लिए निकले थे। इस दौरान तीनों घाघरा स्थित एक जूते की दुकान से जूता खरीदे और पेटीएम स्पूफ नामक ऐप से पेमेंट कर दुकानदार को ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखाया और चलते बने। दुकानदार के खाते में पैसा नहीं आने के बाद दुकानदार ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सभी ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों युवकों से पूछने पर युवकों ने बताया कि वे रांची से आने के क्रम में कई दुकान में ठगी कर सामान खरीदारी किए, पेटीएम स्पूफ नामक ऐप से पेमेंट कर लोगों को बेवकूफ बनाकर साइबर ठगी करने की घटना को तीनों ने थाने में स्वीकार किया। कल यहाँ पे थाना के सामने ही एक जूता दुकान है, जूता दुकान में तीन लड़के आए और जूता खरीदे और जूता खरीदने के बाद वो लोग बोले कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू वो लोगों को पैसा पे किए तो सक्सेस दिखा दिया है उसमें कि हाँ सक्सेस पेटीएम से किए थे लोग पेमेंट। तो उसके बाद तो दुकान वाला बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग वहां से भी चले गए। जाने के बाद फिर दुकान वाले ने अपने अकाउंट चेक किया तो कोई मैसेज नहीं आया था उसको पेटीएम में, तो दोबारा वो आदमी लोग खोजने के लिए वो बाहर निकला, तो फिर चांदनी चौक के पास एक जूता दुकान था उसके अंदर देखा जो बाइक खड़ा करके तीनों लड़का वहां पे है। जब वो तीनों लड़का इसको देखा तो फिर वो लोग भागने लगा। भागने के क्रम में ग्रामीण के द्वारा और जो वहां आसपास के लोग थे उनके द्वारा दौड़ के उनको पकड़ा गया। पकड़ने पे उन लोगों ने अपना अपना नाम पता बताया और बताया कि हम लोग पेटीएम स्पूफ ऐप यूज करते हैं, जिसके थ्रू आदमी को ठगी करने का काम करते हैं। हम लोग फर्जी पेमेंट करते हैं और आदमी को दिखाते हैं कि हम लोग आपका पेमेंट हो गया है, जिसके बाद हम लोग तीनों गिरफ्तार करके अनुसंधान करके जेल भेज रहे हैं।